Hello students, good morning, hope you all are fine. So फिर से हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स. उसमें हम थे चैप्टर नंबर 6 में. लास्ट में हमने 1 to 13 इलस्ट्रेशन देखे थे. आज देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14. उसके रिगार्डिंग कुछ अकाउंट्स बनाया है, लाइक अ रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट. देखते हैं सम क्या है. अजय, अल्पा एंड अमय, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम अजय, अल्पा एंड अमय आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 50%, 30% एंड 20%. 50, 30, 20. सो इसको बोला जाएगा 50, 30 एंड 20. सब में से ज़ीरो निकालेंगे तो 5:3:2. द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2017 वॉज एज अंडर. चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या दिया है. लाइबिलिटीज साइड सबसे पहले कैपिटल दी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फिर वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व, उसके बाद क्रेडिटर्स एंड प्रोविडेंट फंड दिया है. एसेट साइड देखते हैं तो उसमें गुडविल, अदर फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, उसमें से बैड डेट रिजर्व माइनस किया है, स्टॉक, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलिए अब देखते हैं एडजस्टमेंट टिक मार्क करते हैं. सो फर्स्ट इज दैट द क्लेम ऑफ वर्क्समैन कंपोजिशन इज एक्सेप्ट 20,000. सो वर्क्समैन कंपोजिशन पे टिक मार्क करना है. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000. सो इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से टिक मार्क करना है. बैड डेट्स ऑन डेटर्स ₹2,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी कैप्ड 5%. सो डेटर्स पे फिक्स एसेट्स इज टू बी एप्रिशिएट बाय 20%. फिक्स एसेट्स पे द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 600 कंपेयर टू इट्स कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड. सो स्टॉक पे टिक मार्क करना है. द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 lakh. तो ये तो गुडविल की वैल्यू है, उसको कहीं पे टिक मार्क नहीं करना है. अजय इज टू बी पेड 10,000 इन कैश. सो कैश पे टिक मार्क करना है क्योंकि हमने यहाँ पे कैश अकाउंट कहीं पे भी बनाया नहीं है. एंड लास्ट वन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ अल्पा एंड अमय इज 1:4. सो इसका न्यू रेशियो दिया है 1:4. सो अजय इज अ रिटायर्ड. सो सबसे पहले मैं गेन रेशियो फाइंड कर लेता हूँ. न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, अल्पा अमय, न्यू है 1:4 यानी कि 1/5, 4/5, ओल्ड था 5/10, 3/10, 2/10. तो 1/5, 4/5 माइनस 3/10, 2/10. सो 10 एलसीएम लेंगे. 10 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 ones are 2, 2 minus 3, सो -1/10. सो आंसर इज अ माइनस, सो इट्स कॉल्ड अ सैक्रिफाइस. यहाँ पे 2 fours are 8, 8 minus 2, तो 6/10. सो यहाँ पे गेन हो रहा है, यानी कि पूरी की पूरी गुडविल की अमाउंट अमय लाएगा और अजय को देगा. सेकंड अल्पा को सैक्रिफाइस हो रहा है, यानी कि अल्पा को भी गुडविल मिलेगी और वो अमय देगा. ओके तो ये मैंने आपको सिर्फ एंट्री बताई. चलिए अब हम सम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कैपिटल दिया है तो कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे. ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 60,000, 50,000 एंड 80,000. 60, 50 एंड 80. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो उसके लिए सेकंड वाला एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा और यहाँ पे बैलेंस शीट में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा. तो देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कितना दिया था, 60,000. अब एडजस्टमेंट देखो
तो द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 45,000, यानी कि उसकी वैल्यू हो गई है 45,000, यानी कितना डिक्रीज हुआ, 15,000. तो एज़ पर रूल्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो वह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, तो 20,000 है. 20 में से 50,000 रुपीज़ कम हो गए, तो कितना बचा अभी भी 5,000. तो ये 5,000 पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, शेयर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. 5,000 को ओल्ड रेशियो यानी कि 5:3:2 में कन्वर्ट करेंगे, 2,500, 1,500 and 1,000. नेक्स्ट वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व, तो चलिए उसके लिए भी एडजस्टमेंट है. फर्स्ट वाला वर्क्समैन क्लैम्प फॉर कंपोजिशन इज एक्सेप्ट एट 20,000. तो जितने का क्लैम्प हुआ, वर्क्समैन कंपोजिशन क्लैम्प, वो क्लैम्प हम बैलेंस शीट में लिखेंगे. 20,000 का क्लैम्प हुआ. अब देखो हमारे पास कितना रिजर्व था, तो 30,000 था, उसमें से 20,000 का क्लैम्प हुआ, तो अभी कितना बचा, 10,000. तो वो पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा. वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व 10,000 को 5:3:2 में कन्वर्ट किया. उसके बाद है क्रेडिटर्स, तो बैलेंस शीट में आएगा एंड अमाउंट इज 40,000. प्रोविडेंट फंड 60,000. नेक्स्ट एसेट साइड देखते हैं, तो गुडविल, तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में शेयर की जाती है. 50,000 को 5:3:2 में कन्वर्ट करेंगे, 25,000, 15,000 and 10,000. अदर फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट में अमाउंट 1,00,000. फिर इन्वेस्टमेंट तो हमने लिख दिया था. डेटर्स 70,000, माइनस 6,000 बैड डेट रिजर्व दिया है, वो अभी हम नहीं लिखेंगे. स्टॉक क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, 20,000. कैश 16,000. एंड लास्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा. 30,000 को शेयर करेंगे 5:3:2 में, 15,000, 9,000 and 6,000. तो ये था बैलेंस शीट. अब देखते हैं इसके एडजस्टमेंट क्या है. सो फर्स्ट द क्लेम ऑफ वर्क्समैन कंपोजिशन इज एक्सेप्ट एट 20,000, वो सॉल्व हो गया. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000, वो भी सॉल्व कर दिया. बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स रुपीज 2,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ. सो डेटर्स पे बैड डेब्ट्स रखना है 2,000, 68,000 बचा. अब देखो हमारे पास बीडी रिजर्व कितना था, ऑलरेडी 6,000 का माइनस किया हुआ था हमने. बैड डेब्ट्स कितना माइनस किया, 2,000, तो अभी भी कितना बचा है, 4,000. चलिए आगे देखते हैं. उसमें बोला है और रखना है बीडीआर 5%. रिटर्न ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट 5%. तो 68,000 का 5% यानी कि 3,400 माइनस करेंगे तो 64,600. अब देखो हमने टोटल कितना माइनस किया बैड डेब्ट्स में से, 2,000 and 3,400, यानी कि 5,400 माइनस किया. ऑलरेडी कितना माइनस दिया था, तो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स दिया था 6,000 का, यानी कि उससे हमने कम माइनस किया. अगर कम माइनस किया है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, जितना भी कम माइनस किया है वो हमने 600 कम माइनस किया, इसीलिए 600 BDR अकाउंट्स लिखा जाएगा. नंबर 4, फिक्स एसेट्स इज टू बी अप्रिशिएट बाय 20%. सो इंक्रीज हुई है 20%, यानी कि 1,00,000 का 20%, 20,000, टोटल 1,20,000, और इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे लिखा जाएगा फिक्स एसेट्स अकाउंट. नेक्स्ट
The book value of stock is overvalued by 600 compared to his cost. यानी कि स्टॉक की वैल्यू हमने बुक में 600 रुपीज़ ज़्यादा लिखी है, तो अब हम डिक्रीज करेंगे 600, 20,000 माइनस 600 तो 19,400, यहाँ से माइनस हुआ 600 तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखा जाएगा स्टॉक अकाउंट 600. द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख. चलिए गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख. चलिए बात करते हैं, सबसे पहले अजय रिटायर्ड हो रहा है तो अजय गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू उनका शेयर 5/10, सो अमाउंट इज अ 50,000. अजय को कितनी गुडविल मिलेगी? 50,000. अब अल्पा ने भी सेक्रीफाइस किया है, सो अल्पाज गुडविल हम फाइंड करेंगे. सो 1 लाख इंटू सेक्रीफाइस शेयर 1/10, सो 10,000. सो अजय एंड अल्पा को 50,000 अजय को एंड 10,000 अल्पा को गुडविल मिलेगी. सो कौन देगा? तो जिसको गेन हो रहा है वो अमय को गेन हो रहा है, तो अमय देगा. तो अमय के कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड 50,000, 10,000, 50,000 अजय को मिलेगी तो अजय अकाउंट, 10,000 अल्पा को मिलेगी तो अल्पा अकाउंट. और यहाँ पे अजय में क्रेडिट 50,000, अल्पा में क्रेडिट 10,000 और लिखेंगे अमय अकाउंट. ये गुडविल रिगार्डिंग था. नंबर 7, अजय इज टू बी पेड 10,000 इन कैश. तो अजय को 10,000 कैश दे देना है, तो उसके अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि अजय विड्रॉन कर रहा है इसीलिए यहाँ पे कैश गोज आउट, यानी कि कैश में से माइनस होगा. अजय 10,000, 16 में से 10 गया तो 6,000. सो नाउ सारे की सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, लास्ट वाला था बाकी कुछ, द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस. तो चलिए वो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस का तो हमने फिनिश कर दिया था, अब हम क्लोज करेंगे ये अकाउंट्स. 600 प्लस 20,000 तो 20,600, उसमें से ये 600 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ अ 20,000. इट्स कॉल अ प्रॉफिट. एंड तीनों पार्टनर्स यानी कि अजय, अल्पा एंड अमय के बीच में शेयर होगा 5:3:2, 10,000, 6,000 एंड 4,000. और वो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 10,000, 6,000, 4,000. ये अकाउंट क्लोज करेंगे अजय का पहले. 60 + 50 = 120, 120 + 10 = 1,27,500. उसमें से 40 + 50, 50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 77,500. कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला है तो इसको लोन के हिसाब से रखेंगे, तो लिखा जाएगा लोन अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे अजय's लोन 77,500. चलिए अल्पा का टोटल 50, 60, 66, 69, 70,500. उसमें से 24,000 हम माइनस करेंगे सो रिमेनिंग अमाउंट 46,500. बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 80, 85 and 87 में से 60, 70, 76,000 माइनस करेंगे तो 11,000. सो ये मिला कैपिटल अल्पा अमय 46,500 एंड 11,000, 57,500. अब हम इसका टोटल लगाएंगे 57,500, 77,500, 20,000, 40,000, 60,000, 2,55,000.
यहाँ पे 45,000, 1,20,000, 64,600, 19,400 एंड 6,000, 2,55,000। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 14। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।